इसलिए बार हमने कुछ दूर तक डिस्कस किया था तो आज उसके आगे लोकेशन रहता है कि हाँ यहाँ तक जाना है, यहाँ के बाद रुकना है, यहाँ तक रुकना है, सारा चीज प्रोसेस रहता है। उस तरीके से धीरे धीरे अपना के सेंट्रल एक्सिस में हमारा को अपना यूनिट करता है, जब काम फिनिश रहता है तो अपना काम अनलोडिंग स्टेशन पर ला के छोड़ देता है। वही चीज बनाने के लिए ये बटरी इंडेक्स और मशीन टूल पोजिशनिंग डिवाइस टू इंडेक्स पास इन एंगुलर इंक्रीमेंट सो दैट एंगुलर इंक्रीमेंट का मतलब इसके एंगल को हम लोग अपना देखेंगे हो सकता है कि ये बने भी नहीं बने उसी के साथ अपना पता रहे के बर हो किसी का से बने ना बने क्या मतलब क्या है सर एजुकेशन है ये हो सकता है कि हम एंगुलर को फिक्स कर सकते हैं या हो सकता है कि बिना एंगल 90 डिग्री या 30 डिग्री का आप कवर कर सकते हैं उसमें जगह किसी एंगल पे हां एंगल पर हो सकता है जैसे 90 डिग्री या 0 डिग्री पर तो हम तो ये पर बात होगा नहीं मतलब है तो एंगल 0 डिग्री में हां एंगल है वो ही बात है एंगल के हो या ना ये ना एंगल इफेक्ट है एंगल पे रखना पड़ेगा हाँ इतना पहले को लगा कि छोटी डिग्री अगर हो जाएगा तो ये करेंगे उसके बाद है कि सो दैट डायरेक्ट कि मशीनिंग प्रैक्टिस मशीनिंग है व्हिच आर किड एट द इक्वल अराउंड द पेरिफेरी ऑफ द पेरिफेरी का मतलब यही ये जो पेरिफेरी रहेगा टेबल के इसके पेरिफेरी पर अपना वर्क स्टेशन रखेंगे उसी पर जो भी काम जो आप अपना करते हुए आगे बढ़ेगा मतलब जो ऑपरेशन द टेबल रोटेट अराउंड द सेंट्रल एक्सिस मतलब ऑपरेशन के दौरान ये टेबल अपने एक्सिस पर रोटेट करता रहेगा कौन सा स्टेशन पर जाना था कितना स्टेशन का मतलब करना उसके बाद वो आगे बढ़ता जाएगा स्टॉप एट प्री डिटरमाइंड लोकेशन स्टे इन दैट पोजीशन ड्यूरिंग एन ऑपरेशन एंड देन डायरेक्टेड टू द नेक्स्ट पोजीशन जहां तक हमको इस नेक्स्ट क्या रहेगा स्टेशन पर कितना रुकना है नहीं रुकना है उसके बाद आगे बढ़ता है जितना भी हो सके एक लगा सके दो लगा सके या तीन लगा सके जितना भी टूल हमें रिक्वायरमेंट रहेगा उस हिसाब से तुम टूल एक साथ हम बहुत सारे इसके अलावा भी बहुत सी प्रोसेस होगा जिसमें हम कर सकते हैं ऐसे ऐसे काम कर सकते हैं जो कोई भी चीज यहाँ रहेगा उसमें जो भी कार्य रहे उसके बाद यहाँ से हम अपना सब कुछ कर सकते हैं मल्टीपल में कुछ नहीं है एक हेड रहेगा जिसमें बहुत सारे टूल लगा रहेगा उसके अनुसार हम अपना वर्क परफॉर्म कर सकते हैं मल्टीपल है मल्टीपल है नंबर ऑफ टू विच इज इक्वल टू द परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशन ऑन अ सिंगल मशीन
मतलब वो एक एक टूल लगाया इसमें बहुत सारे टूल लगाएंगे डिफरेंट ऑपरेशन के लिए अपना टूल को यूज कर सकते हैं और इस तरह हेड एंड ऑपरेशन ऑन द सेम फॉर द पीस साइमल्टेनियसली ऑन द प्रोग्रेस सर एक साथ कर सकते हैं ये सारा प्रोग्राम मल्टी टूल है ये रहता है दूसरा एलिमेंट है तीसरा एलिमेंट हम लोग का है हमको जिस वक्त जिस टूल का जरूरत होगा वो अपना मशीनिंग पार्ट रहेगा उसको अपना रोटेट करेगा फिर उसके ऊपर इंडस्ट्री होता है यहाँ पर जो है सो मतलब वापिस रहेगा ये स्लाइड ही करता रहेगा यहाँ से आगे भी जा सकता है पीछे भी आ सकता है मान लीजिए अगर ऑपरेशन करना हमें यहाँ से इस टूल को उधर से लाना है और यहाँ मशीनिंग ऑपरेशन को जो वापिस अगर हमको डिलीवरी करना है यहाँ से इसको लाइन और यहाँ से जो भी अपना वर्क करना है यहाँ से हो जाएगा मान लीजिए कि इस टूल का काम हो गया है तो हमें अगर दूसरा टूल का काम करना है तो क्या होगा इस टूल को फिर पीछे ले जाएंगे और पीछे ले जाने के बाद इसको घुमाएंगे और फिर दूसरा जो टूल होगा उसको ला के यहाँ कर देंगे जो इतना ही मतलब रहता है कि आप सिर्फ एक ही टूल को लाके यहाँ अपना टास्क परफॉर्म कर सकते हैं किसी जगह का इस टूल के समय में जो टूल रहेगा अगर इसको हम रोटेट करेंगे तो टूल टूट जाएगा अगर आप काम कर रहे हैं तो सब कुछ सेफ्टी के अनुसार रखना पड़ेगा इसीलिए हम इसको मतलब तो और अगर यहाँ ऑपरेशन है एक टूल का काम हो गया तो इसको पीछे ले जाएंगे फिर यहाँ से दूसरा टूल को घुमाएंगे इधर से फिर दूसरा टूल अपना रख के दूसरा टास्क करो यही है लिखा हुआ है स्लाइडिंग टेबल पर जो रहेगा वही कि आगे पीछे होता रहेगा या ऊपर नीचे तो नहीं लेकिन आगे पीछे ही रहेगा एक मतलब फिक्स पार्ट दूसरा मतलब प्रोविजनल डिस्प्ले टू माउंट टू ऑल ऑफ फिक्स एंड सेट द कैन रोटेट इन एक्स अपॉन द वर्टिकल एक्सिस टू द प्रोविजन पिच टू इन द ऑपरेशन पोजीशन मतलब वही होगा कि आगे पीछे अपना ये कर देगा ऊपर नीचे नहीं होगा सिर्फ आगे पीछे होगा जहाँ से जो भी हमारा वर्क जो भी मतलब टास्क हमको करता लग रहा है उसको हम लाइन पर उठा करके उसका जो भी मतलब काम होगा वो बात करके केवल क्या होता है ना कि एक मशीनिंग प्रोसेस रहता है जिसमें आप वार को फिर इसमें होता क्या है मान लीजिए हमको छह एम एम का इतना दूर का डिस्टेंस हमको आठ एम एम होना चाहिए और इतना दूर का डिस्टेंस हमको आठ एम एम होना चाहिए इस टाइप को अगर हमको कोई भी मान लीजिए टुकड़ा को बनाना है तो हम जनरल करते हैं कि जो भी हमको 10 एम एम का जो डायमीटर का अलग होगा उसको तो लेंगे उसके बाद 12 एम एम तक उसको ट्रिमिंग कर देंगे और 6 एम एम का डायमीटर कर देंगे उसके बाद 8 एम एम के बाद उसको कट कर देंगे और ये हमको मास लेवल पर करना होगा तो बार फिटिंग रोड यहाँ से लाएंगे बार फिटिंग टोल रहेगा और ये रोड जो है यहाँ से लाएगा और ये मान लीजिए फुल रहेगा उसके बाद यहाँ ऑपरेशन हो जाएगा जो भी उसको करना है फिर यहाँ से 6 एम एम पर ट्रीमिंग करना है उसके बाद 8 एम एम छोड़ के 20 एम एम पर यहाँ कट कर लेंगे
और यही प्रोसेस मास में रहेगा कि जल्दी से फॉल को फिल करना उसी तरीके से याद भी नहीं करेंगे फिर आज तक के बाद कर देंगे ये प्रोसेस बहुत ही फास्ट होता है यहाँ अगर हम सिंगल मैक्सिमम बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा जिस बार फिटिंग मैकेनिक एक बार में एक बड़ा सा छत पहले उसमें आपको 20 mm तक का जो 6-8 mm करना है या फिर करना है जो रनिंग करना है उसके बाद आगे में करके काट लेना कोई चीज में दिखाया गया है बार फिटिंग केबल अब हमको निकालना है 10 mm का खराब कर पूरे घर का जो आप लोग वहाँ देखे हैं कुछ स्टेप का रहेगा ये जो हिप रहेगा ना इस पर जो फूल लगा हुआ रहेगा ये फूल लगा हुआ रहेगा पीछे जो यहाँ हेड स्टॉक है इस पर जो भी हमको वर्क पीस करना है जब मान लीजिए वर्क पीस है तो हमको कोई भी प्रोग्रेशन थोड़ा सा करना है और ये हमारा पूरे फेल हो गया है यहाँ पे हमको वर्क पीस है और पूरे फिर यहाँ और यहाँ से यहाँ लाने के लिए कितना मैकेनिज्म हमको काम करना पड़ेगा पूरे यहाँ तक वर्क पीस रहेगा यहाँ से हमको यहाँ तक लाना है पूरे फेट को जो हम यहाँ लाएंगे तो कोई ना कोई मैकेनिज्म काम करेगा और उस मैकेनिज्म के लिए हम हाइड्रोलिक स्लाइडिंग करेंगे हाइड्रोलिक मशीन के द्वारा इस हेड को यहाँ से यहाँ लाएंगे और यहाँ से फिर वर्क हो जाएगा फिर पीछे ला जाके फूल चेंज करके फिर दूसरा बात करेंगे फूल से यहाँ आके जो है ना वर्क यहाँ पे फिट हो जाएगा यहाँ से ये बल्ब हेड स्टॉक जाएगा यहाँ रुकेगा फिर ये जो हेक्सागोनल ट्रे है ये आप जब बल्ब पीस यहाँ होल्ड हो जाएगा फिर यहाँ से आएगा अपना बल्ब पत्थर रुक सकते हैं आपके बाद कुछ हो जाएगा हेक्सागोनल है इसमें टूल लगा हुआ रहेगा वो आगे पीछे उसके बाद पीछे चल जाएगा दूसरा प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करना है इसमें कुछ ना कुछ हमको जो है सुधार करना पड़ेगा कि टाइम कम लगे जो भी हमको डाटा है एससीएम मशीन सबको खुद करके एक दूसरे से कंपेयर करेंगे क्या है क्या नहीं है हम जो मशीन यूज कर रहे हैं उसमें जो भी चीज है मतलब उसको कितना ज्यादा से ज्यादा हम उसको यूज कर सकते हैं अगर मान लीजिए कोई हमको मतलब वार फिटिंग ही अगर हम ले लें इसका एग्जाम्पल कि मान लीजिए उसको यहाँ से हम लाएंगे और 6 mm डायमीटर यहाँ रहेगा और 10 mm का है तो उसको हम कितना से जल्दी से जल्दी यूज करेंगे इसके लिए आपको मशीन का काम करना पड़ेगा और जितना भी हो सकता है ऑप्टिमम वैल्यू
उस मशीन से हमको निकालना है वो यह है कि किस चीज को ध्यान देंगे कि उनका प्रोडक्टिविटी जो है बढ़ जाएगा। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। आपको भी काम हम मशीन से कर रहे हैं उसके लिए मेंटेनेंस बहुत ही जरूरी है। तब तक हम मेंटेनेंस करेंगे और जरूरी जाहिर सी बात है अगर हम करेंगे उसी मशीन के ऊपर काम उसकी गियर भी हो सकता है टियर भी हो सकता है बहुत सारे काम ऐसे हो सकते हैं जो मतलब उस मशीन को प्रोडक्टिविटी में मतलब अवरोध पैदा करेगा। इसके लिए हम उसको देखना है कि तब तक हमको मेंटेनेंस करना है और रेगुलर बेस पर मेंटेनेंस करना है। दूसरा है ऑटोमेशन एंड इंटीग्रेशन। ऑटोमेशन एंड इंटीग्रेशन मतलब ये अगर हम देख सकते हैं जो सिर्फ हमारा पूरा एक्सपीरियंस मतलब रखता है लॉकडाउन ऑटोमेशन की तरह काम करता है उसमें अगर देखेंगे कि और भी कोई काज ऐसा है जिसको हम ऑटोमेशन तरीका से कर सकते हैं अगर है उसको देखेंगे उसको हम जो है अप्लाई करके तो उसमें अपना प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। चौथा है प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन। प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है कि मान लीजिए हम प्रयास कर रहे हैं देख रहे हैं क्या इस प्रोसेस सही तरीका से जा रहा है अगर जा रहा है तो ठीक है नहीं उसमें अपना एक मतलब इनोवेशन करते रहे क्या इससे अच्छा भी हो सकता है या नहीं हो सकता अगर इससे अच्छा हो सकता है तो उस प्रोसेस को अपना को धीरे धीरे पुराने तरीके को अवॉइड करते चले जाएंगे। दूसरा है ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट। अब जाहिर सी बात है कि जो भी चीज़ कर रहे हैं इसके लिए मतलब वर्कर की जरूरत होगा और मान लीजिए कभी कभी क्या होता है ना कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसके लिए एक नया काम आ जाता है। मान लीजिए कोई और चीज़ है नया मशीन लिखा गया है जिसको हम सीखना पड़ेगा कभी उस पर काम हो सकता है इसके लिए हमें स्किल की जरूरत पड़ेगी और इसके लिए बहुत ही अच्छा स्किल वर्कर को ढूंढेंगे ताकि वो काम को हमें कर सके जिससे ये हो सकता है कि हमारा प्रोडक्टिविटी जो स्किलफुल डिप्लॉयमेंट अगर नहीं रखेंगे एम्प्लॉय को फिर प्रोडक्टिविटी में हमको कोई खासा अनुभव नहीं होगा मतलब अंतर नहीं पड़ेगा इस वजह से हमको ट्रेनिंग के लिए स्किलफुल डिप्लॉयमेंट को जरूरी एम्प्लॉय को जरूरी होगा। उसके बाद है कि डाटा मॉनिटरिंग एनालिसिस। डाटा मॉनिटर एनालिसिस का डाटा का मतलब एनालिसिस और मॉनिटरिंग में होगा क्या मान लीजिए हम कोई भी मशीन का काज कर रहे हैं इसमें देखेंगे क्या डाटा डाटा वही आ जाता है कि घूम फिरते हम बात करेंगे कितना प्रोडक्टिविटी बढ़ा है कितना रुका हुआ है कितना नहीं हो रहा है उसमें हम क्या करेंगे कि डाटा एनालिसिस करेंगे। हम मशीन खरीदे थे उस टाइम पर कितना इसका अगर हो रहा है तो ठीक है अगर नहीं पता तो उसमें देखेंगे कि कहाँ से डाटा गड़बड़ हो रहा है कि कौन सा चीज़ है जिसमें हमको उसको इम्प्रूवमेंट करना है ताकि हमका प्रोडक्टिविटी जो है जल्दी से जल्दी बढ़े। ये हो गया कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट कल्चर। इम्प्रूवमेंट मतलब धीरे धीरे हमको जो है तो मतलब बढ़ाना पड़ेगा उसको अगर हम थोड़ा दूसरा वे में देखेंगे तो जो भी मतलब पुराना तरीका अगर वो हमको पूरा एफिशिएंट नहीं लग रहा है तो उसको धीरे धीरे हम उसको चेंज करते हुए आगे वाले कल्चर को एडॉप्ट करते हुए उसमें अपना वो तरीका अपनाएंगे जिसके वजह से प्रोडक्टिविटी पर हमें अच्छा खासा असर दिखता है। री मैन्युफैक्चरिंग प्रिंसिपल। री मैन्युफैक्चरिंग प्रिंसिपल का मतलब क्या कि देखेंगे कौन सा प्रोसेस है कि जिसमें हमको बहुत कम मतलब जो है वो इक्विपमेंट या वर्कर का जरूरत पड़ता है उसके बाद फिर उसके बाद हमारा प्रोडक्टिविटी जो है बढ़ता है उस चीज़ को हम खोजेंगे उस चीज़ को अप्लाई करेंगे। तो नौवां है सप्लाई कोलैबोरेशन। कोलैबोरेट मतलब हो गया कि एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करेंगे ताकि हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए। इसमें क्या होगा कि एक या दो कंपनी या मशीन की सहायता लेकर हम अपना प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। तो मान लीजिए कोई एक मशीन है जिसमें सिर्फ वो जो है कटिंग सबसे अच्छा करता है वो फास्ट करता है और दूसरा मशीन है कि उसके जो है सर्विंग बहुत ही बेहतर होता है उससे बेहतर सर्विंग किसी और मशीन पर नहीं हो सकता। हम दो मशीन का प्रोसेस कर लेंगे एक पर हम कटिंग कर लेंगे दूसरा पर हम सर्विंग करके बहुत ज़्यादा ही मास मात्रा में उसको प्रोडक्ट को अचीव कर सकते हैं। फीडबैक एंड मॉनिटरिंग। फीडबैक हो गया कि आप देखते रहना पड़ेगा कि कौन सा मशीन है कौन सा मशीन का सही काम कर रहा है इस चीज को जब तक हम नहीं देखेंगे उसका फीडबैक पता नहीं करेंगे तो फिर वही दिक्कत हो जाएगा कि फिर मशीन लगा फिर हो गया बात खत्म हो गया। इसके लिए फीडबैक और मॉनिटरिंग बहुत ही जरूरी है। जब तक हम फीडबैक और मॉनिटरिंग नहीं करेंगे तब तक हमें अपना खास पता नहीं चलेगा। उसके लिए फीडबैक और मॉनिटरिंग सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट मशीन को करते हुए आगे अपना प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। नमस्ते जय हिंद।